तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक रिमोट कंट्रोल कार, और कार आप देख सकते हैं एकदम सोने की कार जैसे हो, एकदम असली सुनहरी कार देखने को आपको मिल जाएगी। स्पीड कार्स हाई परफॉर्मेंस रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार, रेसिंग कार है या नहीं आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए हम बाहर निकालते फिर आपको दिखाते हैं कि ये कार कैसी है। और इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही आपको कम, मतलब सस्ता देखने को मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता, लगभग 200 से 250 रुपए के आसपास में ऑफलाइन मार्केट में आपको ये कार देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी कार, इसका मॉडल क्या है, मतलब कौन सी कोई रियल कार होती होगी उसी का देख के ये लोग बनाए हैं, कौन सी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओवरऑल अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में सही है, जिस हिसाब से ये लोग प्राइस लिए हैं लगभग 250 रुपये के आसपास में, उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा कि बहुत ही सही है, ये देखिए। और इसका लुक भी एकदम कमाल का, एकदम अलग, एकदम गोल्डन कार जो होती है, जो गोल्डन कार ये वाली है, एकदम बहुत ही अच्छी लग रही देखने में। मोबाइल में आपको जो भले ही अच्छा रंग नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो रियल में है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका पहिया भी ठीक ठाक ही है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब अगर ऊबड़ खाबड़ इलाके में चलाते हैं जैसे गिट्टी वाले इलाके में, तो ये अटक सकती है थोड़ा, अगर चिक्का उक्का आ गया, धौधा थोड़ा बहुत कंकड़, तो जाके ऐसे अटक जाएगी, तब आपको हटाना पड़ेगा। घर के अंदर अगर आप चलाते हैं जैसे टाइल्स हो गई या प्लास्टर हो गया, सरफेस हो गया फर्श पे, तो आसानी से एकदम अच्छी तरीके से चल पाएगी। और यहाँ पर देखिए इसका ऑन ऑफ का बटन, हाँ, और इसमें आपको कितनी बैटरी लगानी पड़ेगी, 3 बैटरी आपको लगानी पड़ेगी डबल ए साइज़ की। तो चलिए जल्दी से हम लगा देते हैं। इसमें एक दिक्कत यह है कि यह रिचार्जेबल कार नहीं है, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। देखने में तो बहुत ही अच्छी है, खर्चा और बढ़ने वाला है आपका, 3 बैटरी इसमें लगेगी। और रिमोट की बात कर लेते हैं, रिमोट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि सस्ती वाली कार है तो क्या करेंगे, रिमोट सस्ता वाला ही देखने को मिलेगा। इसमें भी 2 बैटरी लगेगी, और ये रिमोट जो है 27 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलता है, ये देखिए 27 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे रिमोट चलेगा। तो चलिए हम ऑन करते हैं कि ऑन है, ऑन है, स्पीड तो इसकी ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है अभी तक। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कार कैसे चलती है, हाई स्पीड कार है या कि नहीं है। तो चलिए मिलते हैं बाहर आपसे। दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, तो चलिए इसको हम चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कार, ये भी कार जो हमारी है, ये भी सीधे नहीं चलती, जब आप सीधे जाएगी फिर धीरे धीरे गोल गोल एकदम, मतलब सर्कल बना देगी, गोला एकदम स्ट्रेट, अगर चाहें तो आप इसको नहीं चला सकते, लेकिन स्पीड के मामले में बहुत ही सही है। लेकिन जब जब चलती है तो बहुत उछलती है और कहीं जाकर अटक भी सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अटक चुकी है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, ये देखिए अब अटक चुकी, थोड़ा सा भी अगर आएगा कुछ तो अटक जाएगी। लेकिन 250 रुपये में बहुत ही सही है, इसकी जो लुक है वो बहुत ही कमाल की है, एकदम ऐसी कार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ रिमोट कंट्रोल की, जितनी मैंने अब तक ली है उसमें देखने में तो ये बहुत ही अच्छी कार है। दोस्तों बहुत ही सही कार है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है लगभग 250 रुपये, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत ही सही है, देखने में तो बहुत ही गजब की लग रही है। बस दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।